हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका फिर से एक न्यू वैकेंसी के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन के अंतर्गत डिप्लोमा और बीबीटेक वालों के लिए लगभग 400 प्लस पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई है। यहां पर सभी ब्रांचों के लिए वैकेंसी है, फ्रेशर्स एलिजिबल हैं, आपकी डायरेक्ट भर्ती है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, ना तो यहाँ पर कोई आपकी एग्जामिनेशन फीस लगेगी। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और क्या बताया गया है इनके ऑफिशियल नोटिस में, उसमें आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा जॉब्स अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी लेटेस्ट जॉब का अपडेट आपसे मिस ना हो। और आप प्रीमियम टाइप जॉब्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिस पर। तो बेसिकली उत्तर प्रदेश में वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसी के लिए वैकेंसी निकाली गई है और अब तक की ये सबसे बड़ी वैकेंसी रहने वाली है। बात करें आपकी पोजीशंस के बारे में, सबसे पहली वैकेंसी यहाँ पर आपकी डिप्लोमा ट्रेनी इंजीनियर्स के लिए है, यहाँ पर फ्रेशर्स इंजीनियर एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर आपकी असिस्टेंट मैनेजर और सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए है, ऑटोकैड ऑपरेटर पोस्ट पर वैकेंसी है, सुपरवाइजर और सीनियर सुपरवाइजर पोस्ट पर वैकेंसी है, बिलिंग इंजीनियर प्लानिंग इंजीनियर पोस्ट पर वैकेंसी है। इसके बाद में आपकी मटेरियल कंट्रोलर स्टोर असिस्टेंट स्टोर इंचार्ज पोस्ट पर वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर पोस्ट पर वैकेंसी है, असिस्टेंट इंजीनियर सीनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैनेजर डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर और असिस्टेंट जनरल मैनेजर पोस्ट पर वैकेंसी है। इसके साथ ही यहाँ पर आपकी और भी कुछ पोजीशंस पर वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं आपकी वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो पहली वैकेंसी यहाँ पर आपकी डिप्लोमा ट्रेनी इंजीनियर्स के लिए है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको बताया है, अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में या फिर आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और आपके पास 0 से लेकर 2 साल तक का एक्सपीरियंस है, आप यहां पर एलिजिबल रहेंगे। यानी अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और फ्रेशर्स इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर टोटल 60 पोस्टों पर वैकेंसी रहने वाली है। सेफ्टी ऑफिसर के लिए यहाँ पर टोटल 8 पोस्टों पर वैकेंसी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको बताया है, अगर आपने डिप्लोमा किया है फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में, मिनिमम आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहां पर एलिजिबल रहेंगे। अगली वैकेंसी आपकी है ऑटोकैड ऑपरेटर के लिए, यहां पर 6 पोस्टों पर वैकेंसी है। अगर आपने ग्रेजुएशन की है, मिनिमम आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट पोस्टें आपकी रहने वाली हैं सुपरवाइज़र और सीनियर सुपरवाइज़र के लिए। अगर आपने ITI किया है सिविल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मिनिमम आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहां पर सुपरवाइज़र और सीनियर सुपरवाइज़र पोस्टों पर वैकेंसी है, यहां पर आपकी टोटल 175 पोस्टों पर वैकेंसी रहने वाली है। बिलिंग और प्लानिंग इंजीनियर के लिए यहां पर टोटल 10 पोस्टों पर वैकेंसी है। अगर आपने डिप्लोमा या फिर BBTech किया है सिविल इंजीनियरिंग में, मिनिमम आपके पास 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहां पर एलिजिबल रहेंगे। मटेरियल कंट्रोलर के लिए वैकेंसी है, अगर आपने डिप्लोमा या फिर BBTech किया है, मिनिमम आपके पास 4 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहां पर एलिजिबल रहेंगे। बिलिंग और प्लानिंग इंजीनियर्स के लिए यहां पर 10 पोस्टों पर वैकेंसी है और मटेरियल कंट्रोलर के लिए यहां पर 8 पोस्टों पर वैकेंसी है। अगली पोस्ट आपकी रहने वाली है जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। अगर आपने डिप्लोमा या फिर BBTech किया है, मिनिमम आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहां पर एलिजिबल रहेंगे। जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए यहां पर टोटल 75 पोस्टों पर वैकेंसी रहेगी। अगली वैकेंसी आपकी सीनियर इंजीनियर और असिस्टेंट मैनेजर के लिए है, टोटल आपकी 15 पोस्टों पर वैकेंसी है। अगर आपने BBTech या फिर डिप्लोमा किया है और मिनिमम आपके पास 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट पोस्ट आपकी रहने वाली है डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। अगर आपने डिप्लोमा या फिर BBTech किया है, मिनिमम आपके पास 8 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, आप यहां पर एलिजिबल रहेंगे। असिस्टेंट जनरल मैनेजर पोस्ट पर आपसे BBTech मांगा गया है, अगर आपने BBTech किया है, आप यहां पर एलिजिबल रहेंगे। डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए यहां पर 10 पोस्टें हैं और AGM और DGM पोस्टों के लिए यहां पर 8 पोस्टों पर वैकेंसी है।
तो जिन भी दोस्तों ने हमारे BBTEC या फिर डिप्लोमा किया है एलिजिबल ब्रांचों में, अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपना अपडेटेड CV लेना है, उसके साथ में आपके जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं उन सबको आपको लेना है और आपको पहुँच जाना है इनके ऑफिशियल एड्रेस पर। देख सकते हैं यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा गोमती नगर लखनऊ में 3 मार्च, 4 मार्च और 5 मार्च को। टाइमिंग यहाँ पर आपकी सुबह 9 बजे है, इस टाइम तक आप लोगों को पहुँच जाना है, रजिस्ट्रेशन होगा और इसके बाद में आपके इंटरव्यूज चालू होंगे। यहाँ पर आप लोगों की काफ़ी बड़ी भर्ती होने वाली है, इसीलिए यहाँ पर 3 दिन इंटरव्यू चलेगा। तो जो भी दोस्त हमारे इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, आप इनकी नियरेस्ट लोकेशन से आते हैं, और वैसे लखनऊ के तो काफ़ी लोग हैं मैं जानता हूँ, तो भाई आप लोगों के पास काफ़ी अच्छा मौका है, आपको कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है, ज़रूर जाइए, होता है अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं, आप इंटरव्यू देने जाओगे ज़रूर कुछ नया सीख के आओगे, नए लोग मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सिविल इंजीनियरिंग के सबसे ज़्यादा जॉब सब्जेक्ट पाने के लिए चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें।